हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रॉक कुर्ती की कटिंग करके दिखाई थी, आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमने लाइनिंग में कपड़े को अटैच करके रख लिया है। अब हम इसमें गले को अटैच करेंगे। यह हमारा नेक है, इसे हमने पहले ही बना के तैयार करके रखा है। तो अब इसको हम यहाँ पर पहले इस तरह से रख के इसको सीधी सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड। यह हमारी कच्ची सिलाई होगी और एक सिलाई हम इसके बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। यह भी हमारी कच्ची सिलाई होगी ताकि हमारा जो गला है इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सेंटर में अच्छे से बैठे। बीच की सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम गले को जोड़ेंगे ये सिलाई लगा के। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है आपने। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम ये हमारी जो कच्ची सिलाई थी इसको निकालने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें ऊपर से पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसको मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से को भी हम मोड़ लेंगे। ये हमारे दोनों भाग मुड़ चुके हैं दोस्तों। अब इसमें हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे दोनों तरफ। ये हमारी पाइपिंग जो हमने तैयार करके रखी है, पाइपिंग को हम इस तरह गले के निचली साइड रख के अंदर वाली साइड रख के यहाँ पे इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमने पाइपिंग लगा ली है यहाँ पे इस तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग से हमने पाइपिंग जो लगाया है। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से पे भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। दोनों हिस्सों में पाइपिंग लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी को हम इस भाग के नीचे की साइड रख के इसमें हम भी सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को हमने थोड़ा बाहर की तरफ रखना है, लगभग एक इंच के करीब बाहर की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से दूसरा हिस्सा लेंगे और इसके बिल्कुल साथ मिला के इसके ऊपर रख के यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें यह हमने यह डोरी की बनाई है, इसको हम इस तरह से पीस को बराबर रख के इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से हम एक एक करके इसमें ये डोरी के पीस जो बना के रखे हैं हमने इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये
गला कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें जो हमारा नीचे का हिस्सा है उसको अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े के बिल्कुल सेंटर में रख के उसमें एक कुटका लगा लेंगे और इसको इसके उल्टी साइड से इसके ऊपर रख के यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसमें हम साथ साथ प्लेट भी डालेंगे। बिल्कुल इसको सेंटर से मिला के रखना है दोस्तों और उसके बाद यहाँ से हम इस साइड को प्लेट डालना शुरू करेंगे। प्लेट डालने के बाद दोस्तों हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हमारी प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम दोनों हिस्सों में प्लेट डाल लेंगे और उसके बाद हम जो हमारी कुर्ती के कंधे हैं उसको हम जोड़ेंगे। ये हमारा पिछले बैक का हिस्सा है तो अब हम इसके कंधे को आपस में जोड़ेंगे। कंधे जोड़ने के बाद दोस्तों हम इसके साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से नीचे तक लगा के दोनों तरफ से लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब हम जो नीचे का हिस्सा है हमारा उसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। लगभग 1 इंच के करीब लेके इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच फोल्ड करेंगे हम आधा इंच दबा के और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। ये दोस्तों हमारी लेस यहाँ पे कुर्ती में कंप्लीट हो चुकी है लग के। और लेस लगने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। कंप्लीट कुर्ती जो हमारी इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।